आज हम दिल्ली में एक बार फिर जमा हुए हैं। हमें हुकूमत, मीडिया और खास तौर पर आवाम से कुछ और बातें भी कहनी हैं। हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? हमने सालों से जिन वैल्यूज और कल्चर को बचा के रखा था, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। अब एक ऐसा माहौल बन गया है कि किसी भी शख्स के साथ कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले हमारे सोच थी कि ये और वो और दूसरे लोग, दूसरे सबको मिलाकर इंडिया बनता है, लेकिन आज के इंडिया में सिर्फ ये रह गया है। आज पूरे मुल्क में नफरत का माहौल है। दलित और सवर्णों के बीच में नफरत, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत और दीगर कौमों के बीच में नफरत पैदा हो गई है। इस तरह हिंदुत्व लोग हर जगह आवाम को आपस में लड़ाकर उन्हें एक दूसरे से दूर करने का काम कर रहे हैं। हमारे इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। छोटे बड़े सभी बिजनेस खत्म हो गए हैं। कार का बिजनेस बेकार हो गया है। जैसे कार नहीं बिक रही है, वैसे ही 5 रुपए का बिस्किट भी नहीं बेच पा रहा है, ऐसे बिस्किट कंपनियों का कहना है। मैं आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी बैंकों से करोड़ों रुपए कर्ज लेकर भागने वाले मोदियों के बारे में याद करना जरूरी है, मैं ऐसा समझता हूं। ये सब होने के बाद जो पैसा बैंक में रिजर्व था, इस हुकूमत ने वो भी लूट लिया। ये सारा काम हुकूमत देशभक्ति और नेशनल सिक्योरिटी के पर्दे के पीछे करती जा रही है। सारे बातें फर्जी राष्ट्रवाद और देशभक्ति से भरी हुई हैं। बड़े बड़े नारा आप सुन रहे होंगे। पहले का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। इनका नारा, अब ये नारा बदलकर वन नेशन वन पार्टी, एक मुल्क एक पार्टी हो गया है, और आगे चलकर एक मुल्क एक शाह बन जाएगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है। आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस बीजेपी के बीच लड़ाई नहीं होगी, बल्कि मोदी और शाह के बीच होगी लड़ाई। आरएसएस का भी उस वक्त कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि शाह एक शाहीन शाह बन गया होगा। अब एक और नारा सामने आया है, एक मुल्क एक भाषा, एक मुल्क एक जबान एक भाषा। ये पुराने नारे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का दूसरा वर्षन है, यानी एक मुल्क में एक ही लैंग्वेज काफी है। लेकिन इसके पीछे असल मकसद उस कम्युनिटी के कल्चर, विरासत, उसकी पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना है। भाषा के नाम पर विरासत को तबाह करने का इरादा है। अभी पूरे मुल्क के ऊपर हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश चल रही है। पहले पंजाबी जबान को नजरअंदाज करने का जो नतीजा हुआ, वो हमारे सामने है। हम जानते हैं कि देश ने इसके लिए कितने कीमत अदा की है। भाषा को अहमियत देने वाले स्टेट्स, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स की तरफ से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दूसरा नारा, एक मुल्क एक कानून, वन नेशन वन लॉ का दिया है। इसका नतीजा हम कश्मीर में देख सकते हैं, जहां 370 आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। ये फैसला कश्मीरियों को एतिमाद में लिए बगैर और जमहूरी निजाम को तोड़कर किया है, जबकि होना यह चाहिए था कि कश्मीरियों को एतिमाद में लेकर
उन्हें मोहब्बत से इंडिया के साथ मिलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, कोई फर्द, मुल्क या हुकूमत जब कोई वायदा करती है तो उसे पूरा करना चाहिए। ये एक महज़ब समाज की अलामत है। कश्मीर के मामले में ये भी नहीं हुआ। वही हम देखते हैं कि दूसरे रियासतों में अभी भी 371 है, वहाँ इनका वन नेशन वन लॉ का कानून कहाँ चला गया? इसी बात का फायदा इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान उठाता है और हम इसका मौका देते हैं। पाकिस्तान को जवाब देना हमें आता है, हमारे फौजियों के अंदर इसका ताकत है। जब भी वो इंडिया पर हमला करने की कोशिश करेगा तो हमारे मिसाइल्स और आग के गोले उसे जबरदस्त और मुंह तोड़ जवाब देने देंगे इंशाल्लाह, और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जैसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए मुल्क के तमाम आवाम को इतिमाद में लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कश्मीर में इसके बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। जमहूरियत में अपने ही आवाम के खिलाफ फौज का इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया है। कश्मीर अभी एक बड़ी जेल बन चुका है। बाबरी मस्जिद मामले को हल करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हकीकत में वो वक्फ की जमीन है। एक मस्जिद की जगह अल्लाह की जमीन होती है। किसी भी लीडर या मौलाना या तंजीम को उस जगह को बदलने या छोड़ने का मशवरा देने का हक नहीं है, किसी को नहीं। कोर्ट में जो चल रहा है वो एक टाइटल सूट यानी मिल्कियत का मुकदमा है। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बाबरी मस्जिद के मामले में हक की लड़ाई को हम अपनी नस्लों तक पहुंच जाएंगे। हक के लिए खड़े होने वाली सेकुलर सोसाइटी के हाथ में जब हुकूमत आएगी, तब वो हुकूमत फिर से उसी जगह पर बाबरी मस्जिद को तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, मुसलमानों को और ज्यादा डराने और खौफजदा करने के लिए हुकूमत NRC लेकर आई है। इंडिया में गैर मुल्की रह रहे होंगे, इसके पहचान करना जरूरी है, लेकिन इसका मकसद किसी कम्युनिटी को खत्म करना और उसे अलग तलग करना नहीं होना चाहिए। आसाम NRC की लिस्ट से 19 लाख लोग बाहर हो गए हैं, उनमें 70% हिंदू और 30% मुसलमान है। ये देखकर पहले NRC के तारीफ करने वाले RSS और BJP के लोग अब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हो सकता है वो कोर्ट भी जाएं। दूसरी जानिब अमित शाह का कहना है कि हिंदू को डरने की जरूरत नहीं। मोहन भगवत कहते हैं कि हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इंडिया में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। इसके आखिर में एक ये अल्फाज भी शामिल हो जाएंगे कि नहीं तो हिंदू नहीं है तो सबको हिंदू बनना होगा, ये भी आने का चांस है। NRC का NRC का मकसद मुल्क के असल शहरियों की पहचान करना नहीं है, बल्कि ये एक खास कम्युनिटी को यानी मुस्लिम कम्युनिटी को साइडलाइन करने और उन्हें डराने के लिए है। अगर ऐसा है तो
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम हुकूमत, मीडिया और आवाम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि इस डर को हम रद्द करते हैं। डराने वालों को भी हम रद्द करते हैं। अल्लाह के अलावा हम किसी ने नहीं डरते और न डरेंगे। कोई भी हुकूमत चाहे वह कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उनसे आवाम को ये उम्मीद नहीं होती कि वो आवाम के बीच भेदभाव करेंगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से भेदभाव कर रही है, हम उसे भी रद्द करते हैं। मुल्क में एक बेलगाम हुकूमत चल रही है। इसके साथ साथ ही अभी गाय के राज भी चल रही है। जिस तरह इंसान की एक पर्सनालिटी है, वैसे ही जानवर को भी एक पर्सनालिटी होगा। गाय अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जीना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे इसके तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं। शायद इसलिए गुजरात में गाय ने एक बीजेपी एमपी पर हमला कर दिया। इसके होगा प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारे मुल्क हमें बहुत प्यारा है। इस पर एक छोटी सी खरोच भी नहीं आनी चाहिए। चाहे वो मजहब के नाम पर हो या जात के नाम पर या फिर जबान के नाम पर, इन तमाम बुनियादों पर हमारे मुल्क में आपस में लड़ने का माहौल नहीं होना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उन पर तवज्जो देने चाहिए। हमारे मुल्क में 6.5 लाख करोड़ गांव हैं, साढ़े छः गांव हैं, देहात हैं, जहां जहालत और गरीबी पाई जाती है। मुल्क के आवाम की गरीबी को दूर करने के लिए हमें एक साथ मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। हमें इंटॉलरेंट भारत नहीं चाहिए, हमें टॉलरेंट इंडिया चाहिए। आरएसएस और संघ परिवार इंटॉलरेंट भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही कौम के घरों से रोने की आवाज आए और आंसू निकले, ये चाहत और उम्मीद ठीक नहीं है, दुरुस्त कीजिए। एक ही कौम के बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके मारने का इरादा और उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, वो भी दुरुस्त करना पड़ेगा। इसी तरह सिर्फ एक ही कौम के घरों में खुशियों का माहौल हो, ये भी सही सोच नहीं है। ये सोच भी दुरुस्त करना अच्छा होगा। हमारे मुल्क को अमेरिकन प्रेसिडेंट और एक राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन पैदा करके दिया है। दो पिता है तो क्या हो जाएगा। हम खुलकर कहते हैं, इस मुल्क का एक ही फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता है, वो है महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका में ट्रेन में सफर करते वक्त एक घोरे पुलिस वाले ने बूट से मारा तो उनके सामने के दो दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। उन दांतों के बदले में हमें आजादी मिली। उस महात्मा को गोली मारकर कत्ल करने वाले लोग आज महात्मा गांधी को सेलिब्रेट करते हैं। वो महात्मा एक गुजराती से हमें जो आजादी की बुनियादें मिली थी, उनको दो गुजराती मिलकर तोड़ने की कोशिश में हैं। भाइयों और दोस्तों, हमारे भी अकेले दांत टूटने के लिए तैयार है। जो आजादी हमसे हो गई है,
उसको वापस लाने के लिए हम अपने सारे अगेले दांतों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जन अधिकार की बात हम बुलंद आवाज से करेंगे। जन अधिकार के लिए हम हर कुर्बानी देंगे। हमें बेखौफ जीना है और बाइज्जत जीना है। अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हम सच्चाई और हक से नजर बचाकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हक हमें ढूंढते हुए आ जाएगा और हमें जरूर पकड़ लेगा। उस वक्त से पहले ही हमको हक की पहचान करके उसे नाफिज करना होगा। कोई भी तानाशाह ज्यादा सालों तक नहीं रहा। हिंदुत्व सियासत और नफरत की सियासत का खात्मा शुरू हो चुका है। इनकी तानाशाही पॉलिसियों का नमूना अगर हिटलर है तो इनके अंजाम का नमूना भी हिटलर ही होगा। हम इंतजार में हैं, उन्हें भी इंतजार करने दो। जय हिंद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।